अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोअर चित्राल में 2 दिन मुसलसल मौसम ख़राब रहने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ी सी धूप आज यहाँ पे निकली हुई है। आज 6 जनवरी 2022 का दिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी बर्फ़ यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 2 इंच जो है ना यहाँ पे बर्फ़बारी चित्राल में हो चुकी थी। जो हमारे यहाँ पे फसलात हैं, बागात हैं, आमतौर पर चित्राल में इन दिनों डरमेंट पेरेट यहाँ पे होता है। जितना भी बर्फ़ और फसलात और बागात यहाँ पे ख़राब नहीं होते क्योंकि उन पर जो है ना ग्रोथ वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। बिल्कुल ये खौफज़दा हालत में यहाँ पे रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स से बर्फ़ जो है ना आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो अभी भी मौसम जो है ना ख़राब है, बादल आसमान पे मौजूद हैं लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे धूप निकली हुई है। फोकास्ट जो मौसम का है वो बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन और यहाँ पे बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो यहाँ से जो है ना व्यूअर्स हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है तिरजमीर का ये जो पहाड़ है ये बहुत ही खूबसूरत हमारे फार्म से नज़र आता है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से सीधे तिरजमीर। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैं आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तिरजमीर का पहाड़ यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें मुसलसल कई दिनों से बर्फ़बारी वहाँ पे जारी है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा। काफ़ी दूर है हमसे लेकिन कैमरे की नज़र से काफ़ी करीब नज़र आ रहा है। जो सामने आपको उनको नज़र आ रहा है उसके साथ ये हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला और ये तिरजमीर आपको सामने नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघलता हुआ। अगर और बर्फ़ इसके ऊपर न पड़ी तो आज शाम तक ये पूरी तरह से पिघल जाएगा। ये हमारे जो है ना आपके सामने सरसों का ये एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक, यहाँ पे इसका जर्मिनेशन पूरी तरह से हो चुकी है और उसके बाद ये कुछ प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके मुताबिक हम इसे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। इससे साल 2022 के फरवरी में इनका सेल आउट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं या आप देख सकते हैं उलवियों का प्लाट, अभी इसमें जो फ्लावर्स थे ये सर्दी की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ व्यूअर्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनियन का जो हमारा नर्सरी है वो भी यहाँ पे बर्फ़ इसके ऊपर से हट चुकी है। काफ़ी सर्दी लेकिन इसका जर्मिनेशन जो है ना वो 100% यहाँ पे कामयाब हो चुका है। और इसके साथ ये हमारा वक्तन फवक्तन आपको दिखाते रहते हैं चेरी का जो मेन ऑर्चर्ड है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें इस साल जनवरी के आखिर से हम यहाँ पे इसका जो डीप रूटिंग का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। जो फर्स्ट हमारा ये जो लाइन है इस साल इंशाल्लाह ताला इस पर जो है ना डीप रूटिंग हम यहाँ पे करेंगे। ये वाला लाइन जो आपको नज़र आ रहा है इसमें पिछले साल हमने डीप रूटिंग किया था। अभी न्यू ब्रांचेस यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हमारा चेरी का जो ऑर्चर्ड है ये 2 किनार एरिया पे ये मुहित है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चेरी चित्राल में होता है। ये तकरीबन 14 वेराइटीज़ हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ लगे हुए हैं। जिसको इनसे ग्राफ्ट वुड या बट वुड यहाँ पे चाहिए हो तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल होंगे बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटीज़ यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे दस्तियाब हैं। व्यूअर्स ये जो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये व्यूअर्स तिरजमीर का ये पहाड़ है, काफ़ी दूर यहाँ से है। यहाँ पे तो करीब नज़र आता है कैमरा पे लेकिन काफ़ी दूर ये पहाड़ वाकई है। इसमें बर्फ़ से बिल्कुल ढका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ है यह हमारा जो रेडिश और टर्निप का यहाँ पे जो प्लाट है ये आप देख सकते हैं। ये रेडिश सीड प्रोडक्शन वैरायटी का अमीनो आली एरिया, इसका 3 मरला है। डेट ऑफ सोइंग हमने इसको जो यहाँ पे लगाया था 3/9/2021 यहाँ पे था। उसके साथ
टर्निप का प्लाट आप देख सकते हैं, बर्फ़ अभी भी इस पे मौजूद है। तो ये था हमारा ये आज का वीडियो, कल एक नए वीडियो के साथ आपके खेतों में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।